आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। असम में वायुसेना ने बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित निकाला, राहत सामग्री भी पहुंचाई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी के रेट घटाए, पीएम मोदी बोले हमारे लिए जनता सबसे पहले है। ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, बोले शिवलिंग मिलने के दावे पर कही ये बात। ज्ञानवापी मामले पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, ये विवाद महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की कोशिश। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में सादा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने खोया युवाओं का भरोसा। सिद्धार्थनगर में बारातियों से भरी बोलेरो ट्रक से टकराई, 8 लोगों की मौके पर हुई मौत। जेल से बाहर आकर छलका सपा नेता आजम खां का दर्द, बोले सोचूंगा कि मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी में कहां चूक गया। 5 बजे से पहले टैबलेट पर सदन की कार्रवाई सीखने में जुटे विधायकों के पसीने, कई ने की क्लास बंक। सीएम योगी आदित्यनाथ की विधायकों को सख्त हिदायत, ठेके पट्टे ट्रांसफर पोस्टिंग और उदंडता से रहे दूर। जल्द काबू में आएंगे बालू मोरंग और गिट्टी के दाम, सीएम योगी ने खनन विभाग को दिए सख्त निर्देश। बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तान में चीनियों पर किए हमले, तेज रिपोर्ट ने बढ़ाई शहबाज सरकार की चिंताएं। इमरान खान ने की भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ, शहबाज शरीफ सरकार पर कसा तंज। कैलिफोर्निया में एक पार्टी में हुई ताबड़तोड़ गोली से एक की मौत, कई लोग हुए घायल। WHO ने कहा मंकी पॉक्स के बढ़ सकते हैं केस अमेरिका और यूरोप के बाद, अब इजराइल भी वायरस की चपेट में। पाकिस्तान की पूर्व मंत्री शिरीन मजारी की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईपीएल 2022 में सीएसके का प्रदर्शन निराश करने वाला रहा, कोच फ्लेमिंग ने किया बड़ा खुलासा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए उमर मलिक, मोहसिन और दिनेश कार्तिक चयन के दावेदार। ईडन गार्डन में होने वाले आईपीएल के प्लेऑफ मैचों में खलल डाल सकती है काल बैसाखी। प्लेऑफ में पहुंचने वाली चारों टीमों के नाम तय, आखिर में बैंगलोर ने मारी बाजी। सीएसके कप्तानी ड्रामे पर अजय जडेजा ने कहा रविंद्र जडेजा के साथ थोड़ा बुरा तो हुआ। धनुष को कपल ने बताया अपना बायोलॉजिकल बेटा, एक्टर ने नोटिस भेज 10 करोड़ रुपए के मानहानि की कही बात। दूसरे दिन भी कार्तिक आर्यन की फिल्म ने किया धमाका, कमाए कई करोड़ रुपए। किच्चा सुदीप ने शेयर किया विक्रांत रोड़ा से जैकलीन फर्नांडिस के विशेष सॉन्ग गदंग रकम्मा का टीजर।
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पहना 4,48,00,000 रुपए का नेकलेस। भूल भुलैया 2 ने मचाई धूम तो धाकड़ ने किया निराश और कभी ईद कभी दिवाली से बाहर हुए आयुष शर्मा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।